वो सर टैबलेट, ये एक एंटी हिस्टामिन टैबलेट है, तो आप जानते हैं कि इसे कब देते हैं डॉक्टर, कब आपको लेना चाहिए, किस तरह की समस्या में लेना चाहिए, कैसे ये वर्क करता है, कितना दिन आपको इसे लेने से बेनिफिट्स मिलता है और क्या साइड इफेक्ट देखने को आते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें। तो हम जानते हैं पहले लेवोसेट टैबलेट के बारे में। इसे हेट्रो हेल्थ केयर द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है वो 10 टैबलेट का, कॉस्ट जो इसका है 47 रुपीज़ है। इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल लेवोसेट्रजिन 5 mg। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल कैसे वर्क करता है। तो लेवोसेट्रजिन एक एंटी हिस्टामिन मॉलिक्यूल होने की वजह से हिस्टामिन नामक केमिकल को यह ब्लॉक करता है हमारी बॉडी में। तो हिस्टामिन जब हमारे अंदर बढ़ जाता है तो हमें कुछ इस तरह की समस्या होती है, एलर्जी सिम्टम देखने को, एलर्जी कंडीशन देखने को मिलता है, जिसमें आपको हे फीवर हो सकता है, कंजक्टिविटी हो सकती है, यानी आँख आ सकती है आपको, और कुछ आपको स्किन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, जैसे कि आपको एक्जिमा रहेगा, हाइव्स रहेंगे, रिएक्शन जैसे कि मस्कीटो ने बाइट कर लिया आपको, या जैसे कि आपको सर्दी खांसी जुकाम है, बार बार छींक आ रही है, नाक बह रहा है, और आपको जैसे कि खुजली हो रही है। तो जैसे कि अगर आपको दांत का खुजली हो रही है, या एक्जिमा हुआ जिसमें आपको खुजली हो रही है, या जैसे कि आपको नॉर्मली ही जैसे कि लाल लाल चकत्ते पड़ जा रहे हैं जैसे कि एलर्जी के कंडीशन की वजह से, तब इसे दिया जाता है। तो इसका जो डोज रहता है मोस्टली ओडी डोज रहता है। इसे आप खाना खाने के आधा घंटा पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अगर आप खाना खाने के पहले लेते हैं तो बहुत बेस्ट इसका रिजल्ट मिलता है। और जैसे कि अगर आप इसे ले रहे हैं तो इतना ख्याल रहे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन वाला वर्क थोड़ा सा अवॉइड करें। और जैसे कि अगर आप इसे ले रहे हैं, कोई डोज मिस कर जा रहे तो सिंगल डोज फॉलो करें। और जैसे कि आप इसे ले रहे हैं तो इसे बंद करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर बताएं। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं इन तरह की समस्या में, तो एक बार जरूर डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करें। यह वीडियो के एजुकेशन नॉलेज के लिए बनाया गया, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। खुद से आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस तरह के आपके कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको ज़्यादा नींद आ सकती है, चक्कर आ सकता है, मुँह में पानी की कमी हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है आपको, और जैसे कि उल्टी भी आ सकती है, आपके नाक और गले में थोड़ा सा सूजन से भी महसूस हो सकती है। ये सारे कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, हर किसी में नहीं, किसी किसी को देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इसे ले रहे तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार विजिट किए, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में अपडेटेड रहना चाहता हूँ, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट है डायरेक्ट पूछ सकते हैं।